बता रहा है, मालूम पड़ता है यह सभी स्वभाव के बच्चा है। मंच पर हमारे जो विशिष्ट अतिथि और समिति के लोग बैठे हुए हैं, उन भाइयों से निवेदन है, ये फोटो सब यूट्यूब पर पूरे भारत पूरे विश्व में जाएगा। आप इन पहलवानों का आशीर्वाद दीजिए, ये पानर सेना है, हनुमान जी की सेना है, और हनुमान जी के गेम में दान करने से घटता नहीं है। वकील मियां भाई साहब से निवेदन है, श्रीमान श्री वकील मियां भाई से निवेदन है, इस कुश्ती के हाथ मिलाने के लिए अखाड़े पर आएंगे, दोनों पहलवानों का आशीर्वाद दें। श्रीमान श्री वकील महावीर पहलवान, अभी अभी खबर आया है कि ये पहलवान जो है भिसवा के जो है, अभी अभी खबर आया है महावीर पहलवान से बदला लेने के लिए, जो पहलवान हारा है उसका भाई आ रहा है आपसे लड़ने के लिए, आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा, चाहे जितना भाई के बुला ला, चाचा के बुला ला, काका के बुला ला, भागना नहीं है पीछे, नहीं वो जाकर कहेगा नेपाल में गए, नेपाली भाग गए। एक बार महावीर पहलवान नेपाली के नाम पर जोरदार तालियों से स्वागत करें, महावीर पहलवान नेपाल के जान तैयार हो जाओ। इस कुश्ती के हाथ मिलाने के लिए देखिए, हमारे छोटे हैं, हमारे बड़ा छोटे हैं, शमसुल मियां अखाड़े पर आए हैं, इनके नाम पर इतने जोर से ताली से स्वागत करिए आवाज, इनके ससुराल तक पता चल जा, इनके साली के पता चल जा कि जीजा जी हमारे अखाड़े पर चढ़े थे। सब सुन लिया भाई, अरे फरी साहेब के दाहिने हाथ में घोड़ा रहा लंबा का छरारा बदा, बाबा रामदेव आश्रम, पतंजलि आश्रम, पतंजलि आश्रम के दवा हर देश में बिका रहा है, भारत नेपाल में हर दुकानों को मिलेगा, उसी आश्रम बाबा के पतंजलि आश्रम के पहलवान है संजय पहलवान सफेद जागिया, और इन्हीं के सवाल के जवाब में ये भीम पहलवान है आगरा कुंडू जागिया में अयोध्या रह रहे हैं, देसी घी के लड्डू इतना घी खाए हैं कि इनका गर्दन बता रहा है कि मालूम पड़ता जर्सी साल के बच्चा। कुश्ती का समय 6 मिनट, 8 मिनट, 8 मिनट, भाई आप लोग देखे होंगे सांड जो है गेहूं धान चर के चैत में उसका गर्दन बड़ा मोटा हो जाता है, और सावन में धान खा के भैंसा मोटा जाता है, तो वो जो गुल्लू जाहिया वाला उसको समझ जाइए भैंसा, और एक गोरा जाहिया वाला जो है सफेद जाहिया वाला इसको सांड समझिए, और जो वो है जैसी सांड गहरा मल पहलवान लग रहा है। इसका वजन 1 क्विंटल 2.5 किलो, और अगले साल तक मालूम पड़ता है 1 क्विंटल 10 किलो हो जाए, उम्र तो बड़ा कम है लेकिन वजन बड़ा जोर से बढ़ रहा है, ये जितना हनुमानगढ़ी में लड्डू चढ़ता 5 किलो एक दिन में खा जाता है, और वही ठीके लड्डू गर्दन पर निकल रहा है। कुछ करो जर्सी सा, हाँ पक्का पहलवान राकेश पहलवान तैयार हो जा, संजय पहलवान जो है पतंजलि आश्रम हरिद्वार काले कलर के कष्ट जाहिया घुटना मैंने कब रखा है, पतंजलि आश्रम के बाबा के आश्रम के पहलवान जांघिया पकड़ रहे हो, अगर देखना है तो कहीं अकेले में देख लेना, मगर जांघिया पकड़ के मत खींचो, नहीं जांघिया हाथ में आ जाएगा तो बहुत विशाल काला नाग है निकल जाएगा। भाई देखना है तो अलग देख लेना, हरिद्वार के पहलवान रख दिया घुटना, अच्छा जर्सी सांड मालूम पड़ता अपने खारी में गौशाला में बैठा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अरे घुटना धरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर उस पर फरसा के मारे और तलवार गिरेगा तब कटेगा वो,
अभी जो जर्सी साहब बता रहे फुल्लू कर के जाहिया में इसका पांच शादियां टूट चुकी। जब तय होता है शादी तो लड़की के वजन रहता 50 किलो, इसका एक कुंता 2.5 किलो। बीच में शादी जब तय हो जाता है तो लड़का के बाप तो सोचता है पहलवान मिला है, अच्छा नाम करेगा। आज जब लड़की की माँ देखती है तो कहती है तो जान मान जर्सी सांड है, शादी कट जाता है। आठ मिनट में 5 मिनट बीत गया, 3 मिनट बाकी। अरे सेखुआ के सिद्धि है तनिको नहीं, बड़ा देसी घी खाता, 5 किलो दूध आता तो ये कई बार मुंह लगाता उसको साफ कर देता है। नीचे वाला 2 मिनट पहलवान, 2 मिनट दो, ऊपर वाला डाल दिया ईरानी और नीचे वाले के बढ़ गया परेशानी। इस दाव के नाम है ईरानी, अगर दूसरा होता मनोज के जगह तो पतंजलि आश्रम के पहलवान खतरा कर दिया होता, मगर ये तो सेखुआ का सिल्ली है ऊपर वाला। पहलवान 2 मिनट कुछ करो जवानों, हैजा के बीमारी से बच गया नीचे वाला। अगर छप गया होता तो कुश्ती मान लिया गया होता, हाई कोर्ट तक अपील नहीं होता, फैसला हो गया होता, मगर ऊपर वाला पहलवान छाप नहीं पाया। मिनट एक से भी कम हो गया 50 सेकेंड। पतंजलि आश्रम वाला पहलवान पतला है, रामदेव बाबा इसको इतना जड़ी बूटी खिया के स्टील बॉडी बनाए हैं कि एक बार पतंजलि आश्रम बाबा के रामदेव जी बाबा के नाम पर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है। आमिना आधा मिनट 25 सिक्के, अरे कुछ करो जवानों, 15 सिक्के, 15 मोटा वाला पहलवान जल्दी से बैठ जा रहा है कि कहीं खड़ा रहेंगे तो खतरा हो जाए, 10 सिक्के, अरे जर्सी सर कुछ करके दिखाओ, बच गया समय समा।